बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं खुश आमदीद कर दिया तुहानू अपनी किचन दे विच। मैं उम्मीद कर दिया तुसी सब वधिया होवोगे जी। अज मैं लैके आई बहुत ही मज़ेदार जी रैसपी। अज आपां बनावांगे जी चावलों की खीर, बड़े जी आसान जे तरीके दे नाल। इहदे वास्ते जी मैं 1.5 किलो दुध लिया है, ते नाल जी असी लिया होए चावल। ये लिए जी मैं 1.5 पाओ चावल लिया, नाल जिहड़े असी ड्राई फ्रूट विच शामिल करने आ ओह लिया जी मैं। मेवे लिए ने, नाल असी बादाम लिए ने, थोड़ियां जी छोटियां इलायचियां लिया है, ते नाल जी असी लिया खोपरा गिरी, ते नाल जी मैं चीनी वी जिन्हें चावल है साढ़े ओनी ही मैं चीनी ली है, 1.5 पाओ चीनी आ। बाकी तुसी अपनी मर्जी दे नाल तुसी वध घट कर सकते हो। अगर तुसी ज्यादा मिठा खाना चाहो तो तुसी चीनी दी थोड़ी मिकदार वधा लो, ते वरना इन्नी ही पैगी जिन्नी सी चावल लेने। तो शुरू कर दें आप अज की रैसपी, बहुत ही आसान जे तरीके नाल, ते सब नू बहुत वधिया, ते सब नू बहुत मजेदार लगती है। शुरू कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। एक असी कढ़ाई लवेंगे, या तुसी जिहड़ा भी बर्तन लेना चाहो वो लै लो, उहदे विच तुसी दुध शामिल कर लो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, मसाला दुध शामिल कर देंगे, इहदे नीचे अग चला के, ते असी इहनूं थोड़ा जिहा पका लवेंगे पहले। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, दुध नूं असी उबाला नहीं दवाना, इहनूं बस असी थोड़ा जिहा गर्म करना है कि थोड़ा जिहा उबाला शुरू हो जाए, ते उदों विच जिहड़े ने असी चावल शामिल कर देने आ। इन्ना ज़्यादा असी दुध नूं पहले पकाना नहीं गा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुध जिहड़ा ना पकना शुरू हो गया, ते इहदे विच जी असीं हुण शामिल कर देने चावल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इहनां नूं जी मैं पहलों ही भिगो के रख्या होया सीगा, अद्धा घंटा या जिन्ना भी तुहाडे कोल टाइम हैगा तुसीं ओनी देर ही पहलों भिगो के रख दो, बड़ी वधिया जी खीर बनदी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नाल ही जी असीं विच शामिल कर देनियां है इलायचियां। 4-5 मैं इलायचियां, छोटी इलायचियां लियां, इहदे नाल जी खुशबू बड़ी वधिया आउंदी, ते नाल जी असीं चमचा जिहड़ा ना चलाई जाणा है, मुसलसल चलाना है, बड़ी मजेदार जी इहदे नाल जी खीर बनदी आ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, चमचे नूं असीं मुसलसल ही विच चलाई जाणा है, ताकि जिहड़े चावल है ना उह विच खुरन खुरन, ते वधिया जी साडी खीर जिहड़ी आ उह बन जावे। ते इदां ही असीं चमचा जिहड़ा ना मुसलसल चलाई जाणा हौले हाथ नाल जी, जिन देर तक साडी खीर जिहड़ी आ उह तिआर नहीं हो जांदी। आहिस्ता आहिस्ता नाल नाल सारियां जिहड़ियां छावां ना असीं उह शामिल करी जावांगे, जिवें जिवें शामिल करनियां असीं, ते चमचा जिहड़ा ना तुसीं हिलाई जाणा इदां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह जी, बहुत ही वधिया जी जिहड़ी ना साडी खीर शुरू हो गई है, पकना शुरू हो गई है। इस तरीके दे नाल जी तुसीं इहनूं इदां ही पकाई देना, ते इदां ही तुसीं जिहड़ा चमचा जिहड़ा हिलाई जाणा। जिन्नी ज़्यादा इह पक्केगी, जिन्नी ज़्यादा पक जाएगी ना, ते उन्नी ही ज़्यादा वधिया बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। ते इस तरह ही तुसीं जिहड़ा ना चमचा हिलाई देना, ते माशाल्लाह जी जिहड़ा दुध ना साडा इह उबलना शुरू हो गया, ते चावल जिहड़े ना उह वी मतलब तकरीबन थोड़े जिहे गल गए ने, ते थोड़े जिहे रहिंदे ने, ते इदां ही तुसीं जिहड़ा ना इहनूं पकाई देना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह जी, बहुत ही मजेदार जी साड़ी खीर जी है ना तैयार होती है, तो थोड़ी जी गाढ़ी हो गई है, तुम वेख सकते हो, बहुत मजेदार जी। इदा ही तुम चमचा चलाई जाना, ताकि जो चावल है ना वो नीचे ना लगन, तो वधिया जो साड़ी खीर है ना वो तैयार हो जाए। इदा ही आहिस्ता आहिस्ता जो जिमें जिमें सिमरिंग हो जाए, उमें उमें जी मजेदार हो ही जाना, वधिया जी साड़ी खीर जी है ना वो तैयार हो जानी। इदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, माशाल्लाह जी, बहुत मजेदार जी साड़ी खीर तैयार होती है, तो जिमें जिमें इन्हें गाढ़ी हो जाना, तो वधिया जी तैयार हो जानी है। हुण इस जगह दे जी असीं चीनी शामिल कर देंगे, 1.5 जिहड़ी मैं पाई है चीनी लई सी, इहनूं मैं विच शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ताकि साड़ी चीनी जिहड़ी है ना विच चंगी तरह खुल जाए, तो वधिया साडा जिहड़ा ना जायका वो बन जाए खीर दा, ते इदां ही असीं चमचा जिहड़ा ना वो चलाई जाणा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, चीनी शामिल करके भी असीं इहनूं जी होर वधिया जिहा पका लेणा है, ते बहुत ही मज़ेदार जी, बिल्कुल वधिया जी खालस खीर चावलों की बनती आ, ते बिल्कुल खालस दूध के नाल चावल असीं विच शामिल किए, कोई डब्बे वाला दूध नहीं है ना डब्बे वाली असीं खीर बनाई, ते बहुत ही वधिया जी, बहुत ही मज़ेदार जी खीर बनती आ, ते चावल भी माशाल्लाह बहुत वधिया जी जिहड़े इहनां विच खुल गए ने, ते इदां ही जे जिवें जिवें खुल जाणगे, ते उन्नी मज़ेदार जिहड़ी है ना खीर साडी ना तिआर हुंदी आ, ते इदां ही तुसीं चमचा चलाई जाणा जिन्नी देर तक खीर जिहड़ी ना गाढ़ी नहीं हो जाती, ते इदां ही तुसीं हल्की आँच ते ना जिहड़ा इहनूं पकाई जाणा है, तुसीं इदां चमचा चला के बहुत ही मज़ेदार जी जिहड़ी ना साडी खीर जिहड़ी आ उह तिआर हो जाती। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा है साड़ी खीर जी तैयार होती, जिमें जिमें इन्हें इदा जी बबल तो ये उपर बनने शुरू हो जाए, तो यदा मतलब है साड़ी खीर जी वधिया जी जी पकन दी है, तो बहुत ही संघनी तो बहुत ही गाढ़ी जी मज़ेदार जी साड़ी खीर तैयार होती है। इतने जी असं शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट जोड़े असर पाने ना, मैं मेवे में शामिल करा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तुम अपनी मर्जी ने जितने छावा शामिल किए जाओ कर लो, और भी तुम जोड़े ना मग वगैरह या दही छाव पाना चाहो तो पा लो अपनी मर्जी ना। अभी शामिल कर देंगे जी इसका कोबरा गिरी, इन्हों मैं कट लिया इदा, इन्हों भी जी असं शामिल कर देंगे, नाल असं शामिल कर देंगे बिच बादाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इदा जी मैं छोटा छोटा
ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਮਚਾ ਚਲਾਈਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੋਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗਿਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਖੀਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਬਣੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਲਾਜਵਾਬ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲਾਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਮਚਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੜੇ ਜੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਵਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚਮਚਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖੋਏ ਵਰਗੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਊਂਗੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਖੋਏ ਵਰਗੀ ਲਾਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਉਨ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।